गुड मॉर्निंग गाइस। तो ये आज का यहाँ का व्यू है बाहर का, साधु पुल का। बस पूछो मत कितना ऑसम व्यू है। ये देखो पहाड़ों में धुआं कितना है। और वहाँ पे एक छोटी सी शायद शॉप है, मैगी पॉइंट है, बंद है अभी तो, क्योंकि अभी टाइम सिर्फ टाइम अभी कम ही हो रहा है। टाइम अभी है 5:16। तो यहाँ पे ना काफ़ी ज़्यादा चिड़िया की आवाज़ आ रही थी तो मैं इसलिए उठ गई। आप बस इस फील को महसूस करो। अगर मैं आपको रिवर का व्यू दिखाऊं इस टाइम पे साधु पुल पे, तो चलिए रिवर की तरफ चलते हैं। तो वेरी गुड मॉर्निंग गाइस, आप सब कैसे हैं? तो आज जो हमारी मॉर्निंग है वो साधु पुल पे है, शिमला में, सॉरी शिमला नहीं, हिमाचल में, ठीक है। तो मॉर्निंग जो है ना वो आज चिड़ी अलार्म से नहीं हुई है, आज यहाँ के अलार्म हमारी चिड़िया थी सुबह लगी हुई है, जैसे उजाला हुआ है ना तब से लगी हुई है टी 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 करने में। तो हम सबकी नींद ऑलमोस्ट खुल चुकी है, सारे कमरे में सो रहे हैं पीछे। बट मैं बाहर का नज़ारा लेने के लिए आई हूँ, क्योंकि मुझे हिल स्टेशन मुझे बहुत प्यारा है, मैं एक एक मिनट वेस्ट करना नहीं चाहती हूँ। रात को भी मैं मतलब काफ़ी देर में अंदर गई हूँ यहाँ से रूम में, क्योंकि बैक पेन काफ़ी ज़्यादा हो रही थी, तो फिर मैं अंदर चले गई, सो गई, और लास्ट वीडियो भी नहीं बना पाई थी मैं। तो चलिए अब देखते हैं, आपको रिवर का फ्लो दिखाती हूँ मॉर्निंग टाइम का। रिवर उधर है, ये देखिए पानी कितना तेज है। साइड उस साइड पानी ज़्यादा गहरा है, क्योंकि उधर से पानी का फ्लो भी काफ़ी है। रात को तो ये फ्लो काफ़ी ज़्यादा हो गया था, इस टाइम फ्लो काफ़ी सही है, मतलब आराम से पानी में जा सकते हो, इतनी कोई डर वाली बात नहीं है। सारा मज़ा हमारा ख़राब हो गया था, क्योंकि कुछ लोग यहाँ पे पानी में बैठ के ड्रिंक वगैरह कर रहे थे, और मतलब ओवरलोडेड थे काफ़ी, वो कल ड्रिंक नहीं करी है, मतलब काफ़ी ज़्यादा ड्रंक थे और पानी में ही मतलब बेहुदा शरारतें कर रहे थे। तो इस कारण फिर पुलिस वालों को कॉल करनी पड़ी, तो जिसने भी करी बहुत अच्छा काम किया वैसे तो। तो फिर पुलिस वालों ने सबको पानी से निकाल दिया था। तो प्लीज़ मैं फिर से रिक्वेस्ट करती हूँ कि ऐसे काम मत करें, क्योंकि जैसे हम तो लेट आए थे तो हमारा तो मज़ा बहुत ज़्यादा ख़राब हुआ, हम इंजॉय नहीं कर पाए जितना हम इंजॉय करना चाहते थे। तो चलो सुबह सुबह बुराई नहीं करते, आप ज़रा वेदर देखिए। और ये है यहाँ का मॉर्निंग व्यू, देखिए कितने सारे कबूतर बैठे हैं आराम से। बहुत सारी चिड़ियां हैं, अब हम दोनों आ चुके हैं मॉर्निंग वॉक के लिए, और इनको गुस्सा आ रहा है क्योंकि 5:30 इनको उठा दिया है, तो ये काफ़ी ज़्यादा गुस्सा है। तो इसलिए मैं ब्लॉग बना रही हूँ कि इनको थोड़ा समझाओ कि मॉर्निंग वॉक पहाड़ों में आके कितनी ज़रूरी है। घर पे चाहे हम 9-10 उठें, बट पहाड़ों में आके मॉर्निंग वॉक ज़रूरी है। तो इनकी शक्ल देखिए कैसे उतरी पड़ी है ना, सैर करनी है, धीरे धीरे करेंगे। सुनो आपकी आपकी लातें बहुत सुंदर लग रही हैं, पहाड़ पर चढ़ना पड़ेगा सर, आपकी लातें बहुत सुंदर लग रही हैं। थैंक यू, योर लेग्स लुक सेक्सी। तो ये देखिए पहाड़, साथ में पानी, कितना मजा है। मुझे पता नहीं है पर ये जो वैसे हमारे उत्तराखंड में इसको नहीं पीछे है, मैं आपको दिखाती हूँ वो बूटा, ये वाला कहते हैं ये खुजली का होता है, अगर किसी के लगाओ दो ना तो उसको बहुत ज़्यादा खुजली होती है। ये वाला पौधा है, आप देखिए इसको, अगर आप में से कोई पहाड़ी है तो बताए मुझे कि ये जो पौधा है सच्ची में खुजली करता है या नहीं करता, या मेरा वहम है बचपन का।
और ये तो आपको पता ही है, ये तो आधे पंजाबियों को भी पता ही है क्या है, ये तो भांग है भोले की। और ये मॉर्निंग वॉक करती करती देखो मेन रोड पे जा रही है, साधु पुल से ऊपर जहाँ से हम साधु पुल को मुड़े थे, ये है मेन साधु पुल। यहाँ से हम नीचे को मुड़ जाते हैं। मतलब इससे प्रूफ है पहाड़ों के लोग भी लेट उठते हैं। पहाड़ों के लोग शहर में तब तक चल भी पड़े होंगे, ये तो विलेज थोड़ा सा टाइप है, नहीं तो चल पड़े होंगे। और ये जो रोड सामने जा रही है आपको दिख रही है, ये चैल जा रही है। चैल भी बहुत अच्छी है जगह है देखने के लिए। और सामने बना हुआ है वाटर पार्क, वाह ये देखिए। और ये है मेन रोड, और ये बना है यहाँ पे वाटर पार्क। और ये पानी ये देखिए पीछे से आ रहा है। मौसम बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, ऊपर फॉग ही फॉग हो रखी है। और इसको देख लो कहीं भी चैन नहीं है, चढ़ के जहाँ मर्जी आ जाती है। यार पहाड़ों में पैदल घूमने का मजा आता है, कार कार में थोड़ी ना सब चीजें देखी जाती हैं। वो देखो वो नजारा इतना धूल इतना मतलब फोग है वहाँ पे, इतना मजा आ रहा देखने में। और वो ट्रक अभी हमारे आगे से गया है और वो ट्रक वहाँ पे दिख रहा है देखो, तो ये मजा ना ही मुझे कमरे में बैठ के आने वाला था और ना ही ये मजा मुझे कार में आता है। अच्छा तो इसलिए मैं बाहर घर के खाने आई हूँ, ऐसे घूम घूम के नाच रही हूँ। मुझे वैसे बहुत सबसे अच्छी जगह लगी है, मैं रेकमेंड करूँगी सबको फैमिली के साथ आने। ऑल टाइम फेवरेट प्लेस। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में।